तो दोस्तों क्या होता है, जब आप YouTube खोलते हो और YouTube खोलने के बाद जब आप कोई भी वीडियो प्ले गाना सॉन्ग को चलाते हो, जैसे आपने ये किया और इसके बाद आपने क्या किया, कोई भी सॉन्ग ले लिया और ये सॉन्ग मैंने ले लिया और इसको सॉन्ग को मैंने बजा लिया। सॉन्ग को बजाने के बाद क्या होता है, चलिए हम आपको बजा के दिखाते हैं। सॉन्ग को बजाने के बाद क्या होता है, जैसे हम इस पावर बटन को करते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, जब भी आप ये करते होंगे, YouTube पे गाना चलाते होंगे जैसे ये चला रहे हैं, और जैसे इसको हम पावर बटन बंद करते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप ये यूट्यूब का गाना ऐसे आप सुनते रह देखते रहेंगे और जब आप पावर बटन को ऑफ भी कर देंगे तब भी आपका गाना चलता ही रहेगा। तो दोस्तों मैं हूँ आपके साथ कन्हैया और आप देख रहे हैं टेक्निकल फुटेज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम होम बटन को क्लिक कर लेते हैं और हम चलते हैं मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद ये क्रोम ब्राउज़र को टच कर लेते हैं। टच करने के बाद देखिए दोस्तों ऊपर में थ्री डॉट है, हम ये थ्री डॉट को क्लिक कर लेते हैं। ये थ्री डॉट को क्लिक कर लिए और थ्री डॉट को क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डेस्कटॉप मोड का। तो डेस्कटॉप साइट को हम इसको क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपको हम कोई भी गाना बजा के दिखाते हैं। चलिए हम ये गाना ले लिए, ये हम गाना को क्लिक करते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा हम इसको ऐड आ रहा है, इसको हम स्किप कर लेते हैं। ये हमें गाने को स्किप कर लिए और देखिए दोस्तों गाना बज रहा है। अब देखिए हम इसको पावर बटन को ऑफ करते हैं। दोस्तों ये गाना तो बंद हो गया लेकिन अब जब हम पावर बटन को ऑन करेंगे तो ये गाना चलेगा। चलिए देखिए दोबारा से दिखाते हैं आपको क्या हुआ, ये गाना बज रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार हम बंद कर लिए और इस नीचे वाले बटन की तरफ जाएंगे जो ये देखिए ये बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको ऐसे हम छोड़ के होम बटन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। और उसके बाद देखिए ये ऊपर से हम नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये गाना यहाँ पे है और इसको हम क्लिक कर देंगे। देखिए ये यूट्यूब का गाना है दोस्तों और चल रहा है। और हम अब पावर को बंद भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा और हम कुछ भी चला सकते हैं, कोई भी चीज़ चला सकते हैं और उसके साथ हम गूगल भी चला सकते हैं। अब हमको चलाना है गूगल तो हम ये चला सकते हैं और मेरा यूट्यूब का गाना चल रहा है। और फिर अगर आपको लगता है कि हमें यूट्यूब का गाना तो चेंज करना है तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फिर से टच करेंगे तो ये मेरा यूट्यूब आ गया देखिए दोस्तों। और जहाँ से आप कोई भी गाना फिर से आप लेना चाहते हैं दूसरा गाना तो फिर यहाँ से दूसरा गाना ले सकते हैं। देखिए देखिए दोस्तों ये हम दूसरा गाना आपको लेके चला के दिखाते हैं। देखिए जब हम दूसरा गाना को चलाएं, देखिए ये दूसरा गाना चल रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, ये नीचे जो ये वाली बटन है देख रहे हैं, इसको हम क्लोज कर देंगे और इसको यहाँ पे ऐसे करके होम बटन पे क्लिक कर देंगे और फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये गाना आ जाएगा और हम इसको यहाँ से क्लिक करके मेरा गाना बजता रहेगा यूट्यूब का। तो कैसा लगा, इससे क्या होगा, जिससे कि आप कोई भी वीडियो पे गाना सुनना चाहते हैं तो इससे आपका मोबाइल का बैटरी भी बचेगा और आप लगा के जेब में भी रख सकते हैं और कोई भी टच नहीं होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।